तो उसी समय में क्या करते हैं, जो मेल्स होते हैं तो मेल से भी पिपेट की हेल्प से स्पर्म्स को ले लिया जाता है, और लेने के बाद आउटर मीडियम में या एक पेट्री डिश के अंदर जो ओवम है और स्पर्म जो है उनका फ्यूज़न करवा दिया जाता है। तो इस समय क्या किया जाता है, जो अगर इसका फ्यूज़न जो होता है ओसाइट के साइटोप्लाज्म में अगर करते हैं, ज़्यादा मात्रा में अगर ओसाइट्स होते हैं तो अगर साइटोप्लाज्म में अगर उनको रिलीज़ किया जाता है तो इस मेथड को बोला जाता है ICSI, मतलब इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्मा इंजेक्शन। और ये जो मेथड होती है वो इनफर्टिलिटी को कम करने के लिए होती है। कभी कभी ये फेल भी हो जाती है पर मोस्ट ऑफ टाइम ये सक्सेस होती है, क्योंकि स्पर्म्स जो होते हैं अगर मान लीजिए उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो स्पर्म्स जो होते हैं वो फ्यूज़ नहीं होते हैं ओवम से, तो जिसके कारण जो होता है फेल भी हो सकती है टेक्निक। अब इसके बाद क्या करते हैं, जब सेल जो होती है वो डेवलप होने लगती है, आउटर मीडियम की ही अभी हम बात कर रहे हैं, तो जब फ्यूज़न हो जाता है मेल फीमेल गैमिट्स का, मतलब स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस का जब फ्यूज़न हो जाता है, तो फ्यूज़न होने के बाद जब ये 8 to 16 सेल के स्टेज में जब आ जाता है तो इसे इम्प्लांट कर दिया जाता है मदर यूटेरस के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छी एक प्रोसेस है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछते हैं, और ये 2 या 3 मार्क्स में इस टाइप के टॉपिक्स आ सकते हैं। और सेकंड मेथड है GIFT, जिसको गिफ्ट भी बोलते हैं, और इसके फुल फॉर्म्स आपको बिल्कुल लर्न कर लेना है क्योंकि फुल फॉर्म हमेशा पूछते हैं, जिसको हम गैमेटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो यहाँ भी एक नॉर्मल प्रोसीजर ही है, पर इसमें क्या किया जाता है, जो एक्चुअली जो स्पर्म्स होते हैं तो स्पर्म्स जो होते हैं उनको एक ट्रांसमिट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो यहाँ पर कुछ प्रिवेंशन होते हैं, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होते हैं वहाँ पर बहुत सारे जैसे म्यूकस वगैरह होता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि स्पर्म को एक्चुअली ट्रांसमिट करने से पहले जो फीमेल्स होती है उनको FSH और LH हार्मोन का इंजेक्शन दे दिया जाता है। जब FSH और LH हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है तो ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा क्वांटिटी में ओसाइट्स फॉर्म होते हैं। अब ज़्यादा मात्रा में ओसाइट्स फॉर्म होंगे तो फिर क्या होगा, जो स्पर्म होगा वो फ्यूज़ हो सकता है, और अगर एक से फ्यूज़ नहीं हुआ तो दूसरे से हो सकता है, या अगर वो रप्चर हो गया टूट गया या नहीं हो पाया फर्टिलाइजेशन तो वो तीसरे से हो सकता है। तो फॉलिकल्स की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और जब इनका फ्यूज़न हो जाता है तो फ्यूज़न होने के बाद इमिडिएटली क्या करते हैं, मतलब जो एक्चुअली स्पर्म जो होते हैं इमिडिएटली ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं फीमेल यूटेरस के अंदर, यूटेराइन ट्यूब के अंदर, और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं यूटेरस तक। तो इस तरह से भी फर्टिलाइजेशन करवाया जा सकता है, और फिर बाकी का जो डेवलपमेंट होता है वो मदर यूटेरस के अंदर ही होता है। देन थर्ड जो स्टेज आती है, या थर्ड जो सॉरी टेक्निक जो होती है उसे हम बोलते हैं ZIFT, मतलब कि जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। अब यहाँ पर चूंकि ZIFT मतलब जाइगोट की कंडीशन में होता है, इट मीन्स जब मान लीजिए होता है इनविट्रो कंडीशन के सिमिलर ही है, पर यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर भी क्या किया जाता है, मदर से ओवम को और फीमेल सॉरी मेल से या फिर फादर से स्पर्म को आउटर मीडियम में लेकर या लेबोरेटरी में उनको फ्यूज़ करवाया जाता है, फर्टिलाइज करवाया जाता है, और जब फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो जाइगोट में जब कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट मतलब आफ्टर 24 आवर्स, फर्टिलाइजेशन के 24 आवर्स बाद जो जाइगोट बनता है उसको जल्दी से जो मदर होती है उसकी फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो जब ये फिक्स हो जाता है तो उसके बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है, और इम्प्लांटेशन के बाद ये एक तरह से एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एंड एम्ब्रियो का फिर डेवलपमेंट होता है एज अ चाइल्ड। तो ये जो टेक्निक्स हैं इनका यूज़ आज के समय में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम किसी न किसी को सुनते ही हैं कि इनफर्टाइल है या इनफर्टिलिटी है किसी मेल में है या किसी फीमेल में, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दैट टाइम, और हमेशा रहेगा, क्योंकि जो लोग बच्चे चाहते हैं वो इन टेक्निक्स का यूज़ करके कर सकते हैं। तो ZIFT एंड GIFT बोथ रिक्वायर अ सर्जिकल प्रोसीजर, मतलब कि एक्चुअली GIFT और ZIFT जो है इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, पर IVF में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब किसी प्रकार की कोई काटपीट नहीं होती है, और इंजेक्शन का यूज़ करके IVF को
किया जा सकता है। तो मोस्ट ऑफ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे डैमेजेस भी होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, तो या फिर जो स्पर्म्स होते हैं उनकी कैपेबिलिटी कम हो जाती है, तो बहुत सारे रीजंस भी इसमें देखने को मिलते हैं, पर कभी कभी ये सक्सेस भी होती है। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि सैरोगेट मदर। तो सैरोगेट मदर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई कपल्स हैं और वो कपल जो है इसमें जो फीमेल्स है वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं, तो फिर क्या किया जाता है, जो मदर हैं उसके एक तरह से ओवम्स को और जो मेल है उसके स्पर्म्स को लेकर फ्यूज़ करते हैं और अदर फीमेल पर्सन में उनको उसके यूटेरस में ट्रांसमिट कर दिया जाता है या इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो टोटली अगर देखा जाए तो जो फर्टिलाइज्ड एग है उसका डेवलपमेंट जो होता है वो अदर पर्सन में होता है, तो ऐसी वुमन्स को सैरोगेट मदर बोलते हैं। जो कि आपने देखा होगा, जैसे शाहरुख खान का जो बेटा है अब्राहम, वो एक सैरोगेट मदर से ही हुआ है। देन नेक्स्ट है जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, जितनी भी आपने प्रोसेस पढ़ी है वो सब टेस्ट ट्यूब बेबी की ही। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये होता है कि फीमेल से एग्स को और मेल से स्पर्म्स को लेकर बॉडी के आउटर मीडियम में अगर फर्टिलाइजेशन होता है और फिर बाकी का जो डेवलपमेंट होता है वो इनसाइड मदर होता है, तो फिर उसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो आउटर मीडियम में ही होती है, आउटसाइड ऑफ मदर बॉडी होती है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये कभी कभी एक एक दो दो नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और ये चैप्टर आपका यहाँ पर एंड हो गया है। थैंक यू।